हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले स्कारेन जेल्स के बारे में। स्कारेन जेल्स का क्या है, जो कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने यूज करते हैं, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या ग्रीस डालेगी और किस प्रकार काम करता है, इस जेल्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो स्कारेन जेल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं इसका रेंज जेल, जो कि हमारे पास 15 ग्राम्स का जेल है। जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास जेल है उसकी एमआरपी 289। इसका रेंज जेल्स को मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसका रेंज जेल्स के अंदर इंग्रीडियंस की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंस हैं एलियम, सीपा एक्सट्रेट्स, इपेरिन, सोडियम्स एंड एलेवेंटोइन जेल्स इसके अंदर डाले गए हैं। इसका रेंज जेल्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल स्केट्स, इंजरी, सर्जरी, बर्न्स, अकने एंड स्ट्रेस मार्क्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जेल्स स्केयर को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से गायब करने में मदद करता है। इसका रेंज जेल्स का इस्तेमाल ये स्केयर मैनेजमेंट जेल्स है, जो कि हेल्प करता है, रिड्यूस करता है स्केयर्स स्किन में। इसके अंदर जो एलेवेंटोइन रहता है, जो कि एक मॉइस्चराइजर है, जो कि ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है ड्राई रफ स्केली इचिंग स्किन में। इसके अंदर जो हिबेरिन रहता है, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट्स अंडर द स्किन में। ये हेल्प करता है, टोन करता है स्किन को और ये इंक्रीज करता है हाइड्रेशन स्किन में। इसके रेंज जेल्स का इस्तेमाल चोट, सर्जरी, जलन, मुहासे, खिंचाव के निशान्स या फिर डार्क स्पॉट्स हुआ है या फिर पिंपल्स स्पॉट्स हुआ है तो उसको हटाने के लिए इसके रेंज जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके रेंज जेल्स त्वचा को टोन करने में मदद करता है और त्वचा के हाइड्रेशन को बढ़ाता है। इसके रेंज जेल्स को यूज़ करने का तरीका बताए तो इसके रेंज जेल्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया पर, यानी कि आपके जहाँ पे स्केट्स या मुहासे या फिर डार्क स्पॉट हुआ है उसी एरिया पर लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। और इसको आप हल्के हाथ से लगा के आप छोड़ सकते हैं और इसको लगाने के पहले कोई मेडिकेटेड साबुन से अपने अफेक्टेड एरिया को धोए, बाद में जेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रेंज जेल्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में जेल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से इसका रेंज जेल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो इसका रेंज जेल्स के बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइए, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल दिए वहाँ पर बताइए। इसका रेंज जेल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी जेल्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।